ओके ये खाली एक लाइन छोड़ के नीचे से इससे वेरी इंपॉर्टेंट सम्स टुडे ओके स्टार्ट कर रहे हो सर दो मिनट लाइन मार रहा हूँ पेपर कॉलेज से तो बुक नहीं है मेरे पास सम नंबर 21 टेक आउट सम नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम 21st sum. Generalize the following transactions in the books of Mr. Gajani. Yeah? Looking at the problem, very first item must be clear. What are you supposed to do? Opening entry. What is the format of opening entry? Assets to liability. Started that first entry, 21st sum. 1/4/2012. Cash at bank account debit. Machinery account debit. This is 2 lakhs. Furniture account debit. 50,000. Computer and printer account debit 1 lakh. Sundry debtors debit 50,000. There you go. Then, to what? Sundry creditors account. To what? Capital. Okay. Assets to liabilities to capital. Creditors are 40,000. So, what's your capital now? 410, 460, 560, 610 minus 40. 5,70,000. Check. 5,70,000. That's your capital amount. Just check. Got it. Yeah. 5,70,000. What is this entry you understood? Last year ke closing balance, ESR brought forward. Opening entry. This is nothing but opening entry of assets and liabilities. Sir, opening entry likhne ka na correction. Being opening entry passed for assets and liabilities. Being opening entry passed for assets and liabilities. Ye to main short mein bata raha hu. Pura narration is being opening entry passed for assets and liabilities. Theek hai? First entry, 21st sum, very important. Star mark karna.
ओके नेक्स्ट हो गया ये पास भूमि व्हाट आई डू फर्स्ट एंट्री इज एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल ओके नाउ नेक्स्ट वन फर्स्ट अप्रैल 2012 चेक रिसीव फ्रॉम महेश ऑफ 10,000 एंड द सेम इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ महाराष्ट्र महेश से चेक आया और डायरेक्टली मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डिपॉजिट कर दिया क्या रहेगा ये सिंपली सपोज ऐसा दिया है चेक रिसीव फ्रॉम महेश तो एंट्री क्या रहेगा बैंक टू महेश इसका भी मतलब वही हुआ सीधा आया और बैंक में डिपॉजिट कर लिया डायरेक्टली सो बैंक इज अ रिसीवर महेश इज द गिवर आर यू रीडिंग दिस तो चेक रिसीव्ड दिया हो या चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड डायरेक्टली दिया हो इट इज वन एंड द सेम हाँ आज चेक आया और तीन दिन बाद डिपॉजिट किया तो फिर एंट्री विल चेंज आज चेक आया और तीन दिन बाद डिपॉजिट किया तो आज क्या एंट्री करूंगा कैश टू महेश वो चेक को आई विल ट्रीट इट एज कैश जब डिपॉजिट करूंगा ना तीन दिन बाद दैट टाइम इट विल बी बैंक टू कैश दैट टाइम इट विल बी बैंक टू कैश इट इज एज गुड एज आई एम पुटिंग मनी इन द बैंक एज गुड एज आई एम पुटिंग मनी इन द बैंक वंस अगेन व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे अब चेक आया और सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक सीधा रिसीवर है बैंक अकाउंट डेबिट टू हू इज द गिवर डिपॉजिट का मतलब समझा स्लिप भर के डिपॉजिट करते ना टू क्रेडिट योर अमाउंट इन द अकाउंट इसके लिए सो व्हेन यू रिसीव अ चेक तो भी बैंक टू महेश आगे कुछ राम कहानी नहीं है तो भी बैंक टू महेश वो चेक आया और डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया तो भी इट इज बैंक टू महेश तो भी इट इज सेम डे डिपॉजिट कर लिया ना तो बैंक इज द रिसीवर पैसा चला गया नॉर्मल चेक आता है ना तो हम अज्यूम करते हैं कि सेम डे बैंक में चला गया इसलिए वी राइट बैंक टू महेश ओके अभी बाय चांस ऐसा दिया है कि यू रिसीव्ड अ चेक टुडे बट इट इज डिपॉजिटेड आफ्टर 3-4 डेज इट इज डिपॉजिटेड आफ्टर 3-4 डेज तो राइट नाउ यू वोंट राइट बैंक टू महेश क्योंकि आज बैंक में पैसा नहीं गया तो राइट नाउ यू राइट व्हाट कैश टू महेश यू राइट कैश टू महेश ट्रीट दैट चेक लाइक कैश एंड देन व्हेन यू पुट द मनी इन द बैंक इट विल बिकम बैंक टू कैश जैसे कैश डिपॉजिट करते हो ना वैसे चेक डिपॉजिट करने के बैंक टू कैश लॉजिक समझा सो यहां पर इज द चेक डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे और सम अदर डे सेम डे आया चेक और सेम डे डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू महेश बैंक ऑफ महाराष्ट्र या सिंपली बैंक अकाउंट ऑल्सो यू कैन राइट टू महेश नाम दिया तो पूरा लिख देना बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू महेश कितने का चेक था आई थिंक इट वॉज 10,000 बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू महेश इट इज 10,000 Is this clear? Check received and deposited. Check received and deposited on same day. Aaj hi aaya, aaj hi bank mein deposit kar diya. So business will pass Bank of Maharashtra to Mahesh. Ye wala clear hua? Directly aaya aur deposit kar diya. Amitisha, barabar aaya, focus hai. Blur ho jata hai. Then, this one is clear. Directly you received the check and it is deposited. Okay? Next. Fourth one. Read this. Check received from Sujit. Okay. अभी यहां पर directly check received from Sujit दिया है. But, very next entry if you read. The check received on 4th of April is deposited into Bank of Maharashtra. So tell me, is this check deposited on the same day or some other day? Other day. Aaya ek din, lekin deposit same day nahi kiya. To aise kabhi bhi check aaye, to uska thoda story niche padh lena. Is it deposited on same day or no? If it is deposited on same day, your entry will be bank to Mahesh, as in this case. But here, Bilal pass an entry, बैंक टू सुजीत और कैश टू सुजीत क्यों ऐसा समझ
क्योंकि आज के आज बैंक में पहुंचा नहीं है चेक, कब पहुंचेगा? दो दिन बाद। तो राइट नाउ आई विल ट्रीट दैट चेक एज कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुजीत अकाउंट। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में चेक का कोई कार्य होता ही नहीं, तो हम डायरेक्टली अस्यूम करते सेम डे बैंक में चला गया, बैंक टू पार्टी। कुछ स्टोरी ही नहीं दिया तो बैंक टू पार्टी, स्टोरी हो समझा। लेकिन अगर कुछ इन्फो दिया है तो यू हैव टू डील अकॉर्डिंग। तो यहां पर कैश टू सुजीत, क्योंकि सेम डे नहीं जाए। दिस इज चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुजीत, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुजीत। नाउ ऑन 6th April ये जो चेक आया था सुजीत वाला, दिस चेक आई एम पुटिंग इन द बैंक, तो इट इज आई एम गुड आई एम पुटिंग कैश विद द बैंक। ये सब ओवर एंट्री है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू कैश या बैंक टू कैश, आइदर वेज इट इज फाइन। सो बैंक टू कैश अकाउंट, बैंक टू कैश, ये कब करते हो एंट्री आया था? बैंक टू कैश। When you do this entry bank to cash normally, when you put cash in the bank, here you are putting check, but that check is like cash only, क्योंकि हमने उसको cash treat किया, तो bank to cash, is this clear? So bank to cash is same amount, 20,000 check amount, अब bank में पैसा पहुंच गया, अब bank में पैसा पहुंच गया, okay? This is check deposited with bank. इसमें और महेश वाले एंट्री में फर्क समझा? महेश और सुजीत में फर्क समझा क्या था? व्हाट वाज द डिफरेंस? इन केस ऑफ महेश यू रिसीव्ड द चेक एंड इट वेंट इनटू द बैंक डायरेक्टली ऑन द सेम डे, बट इन केस ऑफ सुजीत डिड द चेक गो इन द बैंक ऑन द सेम डे? यू गॉट इट टुडे बट यू डिपॉजिटेड आफ्टर फ्यू डेज, सो राइट नाउ ट्रीट इट एज कैश, आफ्टर सम डेज बैंक टू कैश। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? श्योर? नेक्स्ट वन, read further. The check deposited on 6th April is dissolved. The check deposited on 6th April is dissolved. Dissolver का meaning पता है किसी को? Bounce हो गया. क्यों bounce होता है check? Account में पैसा नहीं होता, या main reason तो वही होता है, या फिर check में कुछ गड़बड़ है, cancellation है, sign match नहीं हो रही है, फट गया check, बराबर है? ये मल्टीपल रीजन हो सकते हैं बाउंसिंग होने के, बाउंस मतलब डिसॉल्व, ओके, मतलब बैंक कैंसल्स द पेमेंट, बैंक कैंसल्स द पेमेंट, मतलब ये चेक ऐसा सिचुएशन आ गया कि चेक क्लियर, मतलब चेक की कोई एंट्री नहीं, ऐसा सीन हो गया। मतलब ये जो एंट्री की मैंने सुजीत वाले चेक की, क्या ये वैलिड एंट्रीज है? नहीं है। तो डिसऑनर के वक्त करना क्या है अपने को? बहुत सिंपल चीज करनी है। देखो डिसऑनर के वक्त यू सिंपली रिवर्स द ओरिजिनल ट्रांस, डिसऑनर के वक्त व्हाट यू डू यू सिंपली रिवर्स द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। ओरिजिनल एंट्री में जो हुआ है उसको उल्टा कर दो, डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर दो, बेसिकली नलिफाई द एंट्री, कैंसिल द ओरिजिनल एंट्री। डिसऑनर एंट्री में कोई गोल्डन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग इज सिंपली कैंसलिंग द ओरिजिनल एंट्री। हाउ टू कैंसिल एन एंट्री? इट्स वेरी सिंपल, डेबिट को क्रेडिट दो, क्रेडिट को डेबिट। तो यहां पर चेक करो, ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुआ था, ये पूरा सुजीत वाला था, क्या ये वैलिड है? ना पैसे आए हैं ना पैसे क्लियर हुए हैं, तो ये पूरे वैलिड नहीं है। अच्छा, इस एंट्री में क्या किया? कैश टू सुजीत और बैंक टू कैश किया, तो कैश गॉट नलिफाइड, कैश कैश ऑलरेडी कैंसल्ड है, तो अभी बचा क्या? सुजीत और बैंक, इसको कैंसल करना है, तो कैसे करूंगा? सुजीत को डेबिट दूंगा, बैंक को क्रेडिट दे दूंगा, बस वही हमारी डिसऑनर एंट्री है। डिसऑनर एंट्री विल बी सुजीत अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिसऑनर एंट्री विल बी व्हाट? सुजीत अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल बी अमाउंट 20,000। बहुत सिंपल है। डिसऑनर का मतलब कैंसलेशन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुजीत डिसऑनर्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुजीत dishonored. Very simple meaning dishonor entry has. What it is? You are just cancelling the original transaction. You are just cancelling the original entry. Cancelling का मतलब जो पैसे आए थे वो भी nullify हो गए, जो deposit किए वो भी nullify हो गए, back to zero आ गए,
ठीक है यहाँ पे सुजीत सुजीत गेट्स कैंसल्ड एंड बैंक बैंक गेट्स कैंसल्ड. सो वापस बैक टू जीरो मतलब क्या, वापस सुजीत से पैसा लेना कितना 20,000 लेना बाकी. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. टेक एन सिंपल एग्जांपल, सपोज आई परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, व्हाट एंट्री शुड आई पास? परचेज टू राम, लेट अस से 10,000 का गुड्स मैंने राम से क्रेडिट पे खरीदा, ठीक है, कितना पैसा देना है राम को मुझे? 10,000. आई गिव हिम अ चेक ऑफ 10,000. व्हाट एंट्री विल आई पास? राम टू बैंक 10,000. चेक दिया, स्टोरी ओवर, अकाउंट सेटल, राइट. फिर राम से फोन आया मुझे कि यार तुम्हारा चेक बाउंस हो गया, सिग्नेचर मैच नहीं है, कुछ कैंसलेशन हो गया, इसके लिए बाउंस हो गया. तो मैं क्या करूं? शुड आई रिवर्स परचेज की एंट्री क्या राम टू बैंक की, दोनों की? व्हाट बैंक टू परचेज. शुड आई रिवर्स परचेज ऑल्सो? नो, बिकॉज परचेज से तो हो चुके हैं. क्या उसको गुड्स दूंगा वापस या वो मुझे गुड्स दे देगा वापस? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, परचेज मैंने कर दिया, वो थोड़ी मैं रिटर्न करूंगा. जो चेक का पैसा बाउंस हुआ है ना, उसके लिए मैं वापस फ्रेश चेक दे दूंगा उसको. तो विच एंट्री विल आई कैंसल? आई कैंसल ओनली पेमेंट का एंट्री. ये पेमेंट का एंट्री था, परचेज से नहीं हुआ था यहाँ. आर यू गेटिंग दिस? आई जस्ट रिवर्स दिस एंट्री. राम टू बैंक का मैं क्या करूंगा? बैंक टू राम. मतलब क्या किया मैंने? ओरिजिनल राम, राम कार्ड, बैंक बैंक कार्ड, वापस बैक टू जीरो. मतलब मैंने गुड्स खरीदा है राम से और मुझे उससे पैसे देने बाकी है, कितने? 10,000. एग्जाम्पल समझा. अनदर एग्जाम्पल यू टेक, सपोज आई हैव सोल्ड गुड्स टू अजय ऑफ 15,000. सोल्ड गुड्स टू अजय ऑफ 15,000 ऑन क्रेडिट, तो क्या एंट्री करूंगा? अजय टू सेल्स मारूंगा ना 15,000, ये सुन लो. अजय टू सेल्स आई डू 15,000, ये समझा? आई हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अजय. मतलब अजय से पैसा लेना है कि उसको पैसा देना? आई हैव टू रिसीव कैश फ्रॉम अजय, ठीक है. आई रिसीव 14,000 फ्रॉम अजय इन फुल सेटलमेंट बाय चेक. आई रिसीव 14,000 फ्रॉम अजय इन फुल सेटलमेंट बाय चेक. बैंक डिस्काउंट अलाउड टू अजय, ये एंट्री करोगे तुम? यस. हाउ मच? अजय में 15, बैंक में 14 और डिस्काउंट में 1. अग्री? 15 लेना था, 14 देके उसने सेटल किया, चेक से दिया, तो बैंक डिस्काउंट अलाउड टू अजय. सॉर्टेड. अब ये चेक डिसऑनर हो गया. मेरा बैंक ने बोला कि भाई अजय वाला चेक इज बाउंस, एनी रीजन, पैसा नहीं है, चेक का साइन मैच नहीं है, व्हाटएवर. अब ये बाउंस हो रहा है, शुड आई रिवर्स सेल्स ऑल्सो? नो. गुड्स कभी वापस नहीं आ रहे, खाली सेटलमेंट पेमेंट विल गेट रिवर्स. अब रिवर्स मतलब इज्जत से रिवर्स करना, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है. जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट, जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट दो. उसमें डिस्काउंट भी आ गया, उसमें डिस्काउंट भी आ गया, वो भी रिवर्स होगा, वो भी रिवर्स होगा. क्यों होगा बताओ मुझे? देखो मैंने गुड सेल किया था अजय को, कितने की? उसको कितना पैसा देना था? 14. देना था 15, दिया 14, तो मैंने बोला 1,000 रुपया डिस्काउंट. क्या वो पेमेंट क्लियर हुई? देखो जब पेमेंट ही क्लियर नहीं हो रही है तो काय का डिस्काउंट? तो काय का डिस्काउंट? तो डिस्काउंट भी क्या करना है? रिवर्स कर देना है. डिस्काउंट भी रिवर्स, मतलब पूरी एंट्री उल्टी. तो अजय क्रेडिट था, उसको क्या कर दूंगा? डेबिट. अजय अकाउंट डेबिट कितना? 15. डिस्काउंट अलाउड डेबिट में था ना, अभी डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट 1,000. रिसीव्ड नहीं आएगा, वही मिस्टेक होता है. टू बैंक अकाउंट 14,000. स्टूडेंट मेक दिस सिलियस्ट ऑफ मिस्टेक एवरी टाइम. जब रिवर्स होता है ना एंट्री, तभी डू नॉट क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव, वी क्रेडिट डिस्काउंट अलाउ. तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट करोगे उसका मतलब वो इधर एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव अलग इनकम हो, ऐसा नहीं है. इधर जो एक्सपेंस हुआ था ना, मैं उसको नलिफाई कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, तो वही एक्सपेंस को क्रेडिट दूंगा तो वो जीरो है, नई इनकम क्रिएट नहीं हो रही है यहां पे. आर यू गेटिंग दिस पार्ट? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. रिवर्स मतलब प्योरली रिवर्स. इधर कोई गोल्डन रूल अप्लाई करने की जरूरत, ऐसा सोचोगे तो देखने पे लगता है कि वी पेड अजय 15, 14, ऐसा लगता है ना, बट एक्चुअली हमने अजय को कोई पैसा दिया नहीं है. उसका जो आया हुआ पैसा था ना, वो बाउंस हो गया था, उसको हमने रिवर्स
रिवर्स किया, तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, व्हेनेवर अ चेक इज डिसऑर्डर्ड, व्हेनेवर अ चेक इज डिसऑर्डर्ड, व्हेनेवर अ चेक इज यू जस्ट सिंपली रिवर्स दैट, यू जस्ट सिंपली रिवर्स दैट, ओरिजिनल एंट्री को पूरा कैंसल, बैंग बैंग कैंसल, डिस्काउंट अलाउड कैंसल, अजय अजय कैंसल, ओरिजिनल को जीरो कर रहे हो, वही सेंस है डिसऑर्डर का और कुछ नहीं, लॉजिक समझा। अब वापस वी आर बैक टू जीरो एंड हाउ मच आर वी सपोज टू रिसीव फ्रॉम अजय, 15 or 40, 15. अब तुम्हें तीन दिन बाद बोला है अजय पेड यू द बैलेंस अमाउंट, तो हाउ मच विल इट पे, 15. अभी कोई डिस्काउंट डिस्काउंट आएगा नहीं, अभी गुस्सा आ गया अपने को, अभी कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, बाउंस कर दिया, अभी कहेगा डिस्काउंट, टाइम चला गया, अभी कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं, पूरा वसूल लेंगे, कितना ले लेंगे कैश टू अजय, 50 बैंक टू अजय, इज दिस क्लियर? बाय चांस कोई भला आदमी है तो ट्रांजैक्शन में देगा, अजय सेटल इज अकाउंट विद डिस्काउंट, तो फिर हम डिस्काउंट अलाउ, लेकिन कुछ दिया नहीं है, एक बार डिसऑर्डर होने के बाद कोई डिस्काउंट मिलता नहीं, फिर पूरा का पूरा पैसा देना पड़ता है, कैश टू अजय 50, इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल समझा पक्का? एक और ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। वी परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, वी परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 7000, बोल परचेज टू रोहित 7000 हुआ, ये समझा, हमने गुड्स खरीदा है, तो रोहित को पैसा देना है कि लेना है? देना है। वी हैव टू पे रोहित, वी हैव टू रिसीव, वी हैव टू पे, हाउ मच? 7000, वी पेड हिम 6000 इन फुल सेटलमेंट, एंट्री बताओ, चेक से पे किया, रोहित टू बैंक रिसीव हो गया, ये हो जाएगा 7000, ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 1000, करेक्ट? यस और नो? रोहित टू बैंक टू डिस्काउंट 761 हो गया। अब यहां तक तो सेटल था, सब खुशी खुशी खत्म हो गया, खुद का था सेटल, किसी को कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है। अब पर्वती आई बैंक से, बैंक में बोला दिस चेक गॉट बाउंस, दिस चेक गॉट डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर क्यों, शुड आई रिवर्स परचेज की एंट्री, आई रिवर्स ओनली द पेमेंट, इसको पूरा रिवर्स करना, पूरा मतलब पूरा सब कुछ, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवर्स डिस्काउंट रिसीव टू रोहित, नॉट डिस्काउंट अलाउ, इट विल बी डिस्काउंट रिसीव, क्यों डिस्काउंट रिसीव डेबिट कर रहा हूं कि भैया आई वांट टू कैंसिल दैट डिस्काउंट, मैंने पेमेंट की इसके लिए रोहित ने मुझे डिस्काउंट अलाउ किया ना, रोहित ने मुझे क्यों डिस्काउंट अलाउ किया, क्योंकि मैंने पेमेंट किया था, क्या वो पेमेंट वैलिड थी नहीं, क्या वो डिस्काउंट वैलिड था नहीं, आई जस्ट रिवर्स इट, आई कैंसिल इट, तो वही डिस्काउंट को रिवर्स करके मैं कैंसिल कर रहा हूं यहाँ, इज दिस क्लियर? नाउ वी आर बैक टू जीरो, मतलब क्या, वापस रोहित को कितना पैसा देना बाकी, हाउ मच स्टिल वी आर सपोज टू पे टू रोहित, जब वो दूंगा तब एंट्री क्या होगी, रोहित टू कैश या रोहित टू बैक, हाउ मच, अब कोई डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है, समझा नहीं, सेंस समझा डिसऑर्डर का, पक्का? एनी डाउट? डिसऑर्डर मतलब क्या, बाउंस, एंट्री में क्या करो, रिवर्स और कैंसल द ओरिजिनल पेमेंट या रिसीट का ट्रांजैक्शन, इफ यू हैव डिस्काउंट कैंसल दैट टू, अगर डिस्काउंट है तो वो भी कैंसल, डिस्काउंट अलाउड अगर डेबिट किया है ओरिजिनल एंट्री में तो उसको क्रेडिट करो, और डिस्काउंट रिसीव्ड अगर क्रेडिट किया ओरिजिनल एंट्री में तो उसको डेबिट, समझा पक्का? और मुझे एक चीज बताओ, आज चेक आए सेम डे बैंक में डालोगे तो भी चेकआउट, आज आए और तीन दिन बाद डालो, आज कैश और फिर बैंक टू और फिर बाउंस हो तो कैश कैश गेट्स नलिफाई, वो तो ऑलरेडी कैंसिल था, वापस लिखने की जरूरत नहीं, तो बचा गया यहाँ पे सुजीत और बैंक, मैंने क्या मारा यहाँ पे सुजीत टू, इसमें कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं था, होता तो वो भी रिवर्स कर दे, इज दिस क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वन क्या दिया है, पर चेक रिसीव फ्रॉम मोनाली ऑफ 11000 एंड द सेम वॉज एंडोर्स टू अनीता, चेक रिसीव फ्रॉम मोनाली एंड द सेम वॉज एंडोर्स टू अनी ता, बताइए एंडोर्समेंट किसी को याद है, मैंने डिस्कस किया था एक बार, डज एनीवन रिमेंबर व्हाट इज एंडोर्समेंट, बताओ
एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक पास यस पास करना वेरी गुड एंडोर्समेंट मतलब आया हुआ चेक किसी और के फेवर में दे देना याद है आजकल ये कोई करता नहीं है 99% ऑफ द चेक्स आर क्रॉस चेक्स ओनली आता है चेक तो हम डिपॉजिट कर देते हैं हमारा फ्रेश चेक दूसरे पार्टी को दे देता है किसी का आया हुआ चेक किसी के नाम पे एंडोर्स बहुत कम होता है एंडोर्समेंट का मतलब इसने मुझे चेक दिया यशवी गेव अ चेक टू मी ऑफ 10,000 और मुझे ध्रुव को पैसे देने तो मैंने पीछे लिख दिया एंडोर्स इन फेवर ऑफ ध्रुव आई साइन इट एंड गिव इट टू ध्रुव सो पैसा सीधा यशवी के बैंक से ध्रुव के बैंक में जाएगा मेरे बैंक तक कहीं पैसा पहुंचेगा ही नहीं ना आएगा ना जाएगा और क्रॉस चेक कभी एंडोर्स हो सकता है कौन सा चेक एंडोर्स चेक ये भी मैंने बताया याद है तो ओनली अ बेरर चेक कैन बी एंडोर्स एंडोर्समेंट का मीनिंग समझा किसी से आया हुआ चेक किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर दिया विदाउट द मनी रीचिंग टू आर बैंक सो टेल मी वन थिंग नाउ वी आर रिसीविंग अ चेक फ्रॉम मोनाली एंड द सेम इज ट्रांसफर्ड टू अनीता तो मोनाली से जो चेक आया शुड आई पास एन एंट्री बैंक टू मोनाली और कैश टू मोनाली कैश टू मोनाली बेरर चेक रिसीव्ड इज कैश यू रिमेम्बर बेरर चेक रिसीव्ड इज कैश पेपर में भी था इसीलिए क्योंकि वो पैसा बैंक तक पहुंचा तो बैंक टू मोनाली नहीं व्हाट विल आई राइट कैश टू मोनाली यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश टू मोनाली कैश टू मोनाली कितने का चेक आया 11,000 करेक्ट कैश टू मोनाली इज 11,000 चेक रिसीव फ्रॉम मोनाली बैरर चेक लिखो या चेक रिसीव फ्रॉम मोनाली बैरर चेक ही एंडोर्स हो सकता है ओके सो कैश टू मोनाली 11 हो गया अभी यही चेक मैंने दे दिया अनीता को व्हाट एंट्री विल पास अनिलाडू कैश की अनिलाडू बैंक कैश बैंक तक देखो मेरे बैंक में ना पैसा आया ना पैसा आया हुआ चेक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो कैश टू मोनाली एंड अनीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 11 आया भी कैश गया भी कैश स्टोरी ओवर दिस इज चेक एंडोर्स्ड टू अनीता चेक एंडोर्स टू अनीता इज दिस क्लियर कैश टू मोनाली अनीता टू कैश समझा क्या सिचुएशन हुई यहां पे आया हुआ चेक किसी और के फेवर में ट्रांसफर हो गया कौन सा चेक एंडोर्स कर सकते हो क्रॉस चेक कभी एंडोर्स नहीं करते क्या हो गया भूमि को डाउट है अंडरस्टूड दिस वन अब क्यों आया होगा मोनाली से चेक मोनाली वॉज आर डेटर अनीता वॉज आर क्रेडिट तो इससे लिया पैसे सेटल हो गए अनीता को पैसे दिए वो भी सेटल हो गए अभी तक तो सब राजी खुशी खत्म बराबर है लेकिन ऐसा सैडली हुआ नहीं आगे बढ़ते हैं द चेक रिसीव्ड ऑन 14 अप्रैल गॉट डिसऑनर्ड ये वाला चेक बाउंस हो गया तो गलती किसकी हमारी मोनाली की मोनाली की है ना गलती मोनाली का चेक था हमें तो आया हमने तो पीछे लिख दिया ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनीता दे दिया उसको अनीता ने बोला बैंक से अरे तुम्हारा चेक बाउंस हो गया तो मैं भी क्या करूंगा चुप बैठूंगा मैं बोलूंगा मोनाली को अरे तुम्हारा चेक बाउंस हो गया तो हाउ मेनी डिसऑनर एंट्रीज वी नीड टू पास टू एक फॉर द कैंसलेशन ऑफ अनीता चेक जो दिया था वो क्लेम कैंसिल हो गया रिवर्स करना पड़ेगा एंड एक फॉर द कैंसलेशन ऑफ मोनाली चेक वो भी रिवर्स करना पड़ेगा टू रिवर्सल एंट्रीज अग्री नाउ ओवर हियर इफ यू चेक कैश इज ऑलरेडी कैंसिल यहां पे जैसे कैश कैंसिल हो चुका था तो वापस कैश कैश लिखने की जरूरत नहीं है दोनों को रिवर्स करना है बट कैश इज ऑलरेडी कैंसिल तो बचा क्या इसी को रिवर्स करना बाकी है तो क्या रहेगा मोनाली टू अनीता टू मोनाली मोनाली वॉज क्रेडिट है उसको दे दो डेबिट मोनाली फाइव हो गई मोनाली अकाउंट डेबिट टू अनीता को क्या दिया था डेबिट दिया था तो उसको दे दो क्रेडिट तो मोनाली टू अनीता सिंपल डायरेक्ट एंड कैश रैश लिखने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है समझा कैश इज ऑलरेडी सो मोनाली टू अनीता दिस इज
Anita's, sorry, Monali's check dishonored. Monali's check dishonored. Monali's check dishonored. This is happening, I think, on 19. Actually, है ना दो ही entries है. ये दोनों का reversal है. Monali to cash, cash to Anita. लेकिन cash already cancelled था. इसलिए एक ही entry मारी. Monali to Anita. दोनों का reverse हो गया, समझा? Monali को credit दिया, sorry, debit दिया था, वो credit कर दिया. Anita को debit दिया था, वो credit कर दिया. Monali को credit दिया था, वो debit कर. Now we are back to zero. Can you see this? Monali is cancelled. Anita is cancelled. Cash was already cancelled. तो ये यहाँ तक के entries पूरे cancel ही हो गए. अब we are back to zero. मतलब back to zero का मतलब वापस किससे पैसा लेना और किसको पैसा लेना? वापस Monali से लेना बाकी है और Anita को देना बाकी है. ये समझा? कितना? 11,000. ये हम जब वो देगी तब पैसे ले लेंगे और Anita को पैसे दे. Is this clear? Dishonor का sense समझ रहे? Cancellation of original. Original entry का cancellation. Endorsement का meaning समझा? कभी भी endorsement में bank दिखेगा? नहीं. जिंदगी में कभी नहीं दिया. क्योंकि हमारे bank तक ना पैसा गया ना bank से पैसा निकला. आया तो भी cash, गया तो भी cash. Bank का कोई effect आएगा नहीं. बढ़े आगे. Bank charges charged by bank 250. 21st. बताइए. Bank charges to bank charges account debit to bank का cash. ये एक ही expense है जो हमेशा bank से pay करे. Passbook में पता है ना देखने के लिए. ये वो bank charges. Bank charges to bank. Bank charges paid. Okay. Dishonor charges, bank charges सबका common account है bank. एक ही entry है. Bank charges to bank. लास्ट दो कर लो. चिंदी है 24. देखो क्या दिया है. टेलीफोन बिल पेड बाय चेक. हाँ, टेलीफोन टू बैंक. टेलीफोन चार्जेस टू बैंक. कितना पे किया? 1000. टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक, दैट इज टेलीफोन चार्जेस टू बैंक. और लास्ट वाला सैलरी आउटस्टैंडिंग. सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग मतलब पेड है कि पेबल है. पेबल है. टाइम आ गया लेकिन पैसा नहीं दिया. तो एंट्री क्या बने? देखो राइट. आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा. पूरा एंट्री बोलूंगा. सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. देखो टाइम आ गया एक्सपेंस का तो सैलरी टू डेबिट करनी पड़ेगी. यस और नो? But did we pay? No. It is due. Outstanding मतलब देना बाकी है. So two cash लिख सकते हो.